उठता है, सच की चोंच नोकीली है, सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है, फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। शुक्रिया आप सबको, आप क्योंकि मुहूर्त जब किया था हमने तब भी आप सब मौजूद थे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, और मैं समझता हूँ 100 बक्स की रिलीज से कम 8-10 बार और हम लोग मिलेंगे। हम तो चाहते हैं 10-20 बार मिलें, रोजाना मिलें हम लोग। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे बीच मौजूद हैं, और आपने देखा होगा अब ये परिवार थोड़ा सा और बढ़ गया है। मेरे राइट साइड पर मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन कंपोजर सिंगर संतोख सिंह जी, एक गाना कर रहे हैं मेरी फिल्म का, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि संतोख भाई ने मुझे खुद बुला के दुष्यंत भाई ऐसा एक गाना मैं करूँगा आपकी फिल्म का, तो मेरा तो आई एम सो हैप्पी आई सेट कि आप ब्रदर हो, भाई हो, दोस्त हो, तो आप जरूर कीजिए। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप मिले थे बहुत ही खूबसूरत गायिका, म्यूजिक कंपोजर और इंडस्ट्री की हमारी एक टैलेंटेड म्यूजिशियन भी बोलूँगा मैं इनको, बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजर भी हैं इंद्राणी भट्टाचार्य जी, जो कि हमारी फिल्म की सॉन्ग्स कर रही हैं। और जो लेफ्ट मौजूद हैं हमारे देश की, देखा जाए तो स्टैंड अप जो शोबिज है उसकी दुनिया की आज की डेट में निर्विवाद किंग मैं बोलूं, दिनेश बावरा साहब, जो कि जिनके बिना आज कोई भी, मैं समझता हूँ जो टॉप कवि सम्मेलन या कोई भी एक ऐसा पोइट्री का मंच है वो अधूरा माना जाता है, तो वही मेरी फिल्म में एक मेन कैरेक्टर कर रहे हैं। और कविता से तो आप मिल ही चुके हैं, हमारी फिल्म की लीड हीरोइन है, इनके कंधों पर सारा दारोमदार है। बेसिकली ये दो किरदार मेरी फिल्म के ऐसे हैं, एक ऑटो ड्राइवर और एक हीरोइन, ये सारी कहानी इनके कंधों पर घूमती है। और हम लोग एक शेड्यूल बहुत अच्छा कर चुके हैं, नेक्स्ट शेड्यूल हम अब हमारा प्रपोज है, और मैं समझता हूँ इस मंथ एंड तक ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। फिल्म के म्यूजिक को लेकर काफ़ी बातें की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, म्यूजिक किस तरह का होने वाला? अब देखिए हम लोग संगीत वाले लोग हैं तो डेफिनेटली संगीत की बात तो होती है, और सबसे बढ़िया तो हम लोग बड़े सुरीले लोग हैं, और दूसरी कि हम लोगों को अपनी कमियाँ भी पता है और अपनी अच्छाई पता है, कमियाँ ज़्यादा हैं अच्छाई कम है, लेकिन हम लोग उन अच्छाई को फोकस पे रख के और म्यूज़िक हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये 2019 का जो सबसे अच्छे म्यूज़िक होगा उनमें से एक म्यूज़िक गिना जाएगा हमारी फिल्म का, और साथ में क्योंकि आप लोगों का साथ बहुत है हमारे पास, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कविता को भी बोला था, दिनेश बाबरा जी को भी बोला था, संतोख भाई को भी बोला था, इंद्राणी को भी बोला, और मैं सबको बोलता हूँ कि जब हम ये फिल्म रिलीज़ कर रहे होंगे तो मैं समझता हूँ प्रचार वाइज हमारी फिल्म शायद 2019 की जो टॉप एटलीस्ट 5 फिल्म होगी उनमें गिनी चाहिए। कविता जी आपसे जानना चाहेंगे, सर ने क्या ब्रीफ दिया था, मुहूर्त के टाइम भी हम लोग मिले थे, और अब तक क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कैसी चल रही है शूटिंग, थोड़ा सा बताइए हमारे बारे में। शूटिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने जैसा आपको पहली बार बताया था कि थोड़ा सा डर लग रहा है, तो अब वो डर खत्म हो चुका है, अब ऐसा कुछ डर नहीं है, मैं बिंदास कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है करके शूट। और ब्रीफ वाली तो वो तो डायरेक्टर का काम है, उनका डायरेक्टर का ब्रीफ करना, एंड इन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया है शायद कोई और डायरेक्टर मुझे उस तरीके से समझा नहीं पाता। तो बावरा सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ सीखने मिला उनसे अब तक? जी बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, तो खैर मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ हम दोनों का रिलेशन ऐसा है फिल्म में कि
बहुत अच्छी बाउंड्री है। थोड़ा शर्मा रही है आपसे बताने में, इनका रिलेशन एक और है, कविता भी बिलोंग करती है बेसिकली, इनका जो पृष्ठभूमि है बिहार की है, और दिनेश बावरा साहब भी फिराक गोरखपुरी साहब की जमीन के, उनके गांव के रहने वाले हैं पूर्वांचल से, तो इन दोनों की जो वो जो बॉन्डिंग है वो बड़े कमाल की बॉन्डिंग, और ऐसी बॉन्डिंग है कि ये कविता लिखते हैं और मेरा नाम कविता है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि एक मेरे लिए भी कविता लिखिए आप तो ये लक है जो हम लोग मिले हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है स्टारकास्ट के साथ, आपकी कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पहले तो दुष्यंत जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे कास्ट किया इस रोल के लिए, और पता नहीं उनके जहन में क्या है लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और मैं उनका इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट समझा दी सारी एक ही दिन में, उन्होंने बाउंडेड करके दे भी दिया, और मुझे कोटेशन याद आता है क्योंकि मैं शायरी की दुनिया का आदमी हूँ, इसके लिए कोटेशन आ जाता है, दुष्यंत जी भी वो शायरी समझेंगे कि ज़िंदगी तवायफ है बाजार की और मजबूरियाँ रोज़ धंधा करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक लड़की जब बाज़ार में उतरती है तो कोई भी लड़की अपने मन से नहीं उतरती है, कोई ना कोई मजबूरी रहती है, उस मजबूरी को दुष्यंत सर ने फिल्म में बांधने की कोशिश की है, ये सामाजिक दायित्व का भी बहुत बड़ा निर्वाह कर रहे हैं, उसके लिए बधाई। सामाजिक दायित्व एक बहुत बड़ी चीज़ है आज के तारीख में जो आप करते हैं, मतलब आप जो हैं हम लोग रिश्ते में मतलब भाई भाई हैं, जो मीडिया है और कवि है ये भाई भाई हैं, और कविता मतलब पहली मुलाकात में मुझे लगा नहीं क्योंकि एक हीरोइन का एक एटीट्यूड होता है, उसके करीब जाने के में डर लगता है कि कहीं ये परवाना जल ना जाए लेकिन कविता ने मुझे इतना कंफर्ट रखा कि आप निश्चिंत रहें और बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। नमस्कार, कैसे हैं? गौ भैया ने आपको नंबर दिया, रोल रहा और रोल बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं अच्छे से रहा, मैं आपको 10 मिनट में फोन करूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कोशिश करूंगा, मैं कॉल बैक करूंगा। दुष्यंत सिंह साहब मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं और भाई हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा इज अ रियल रॉक स्टार, क्योंकि एक म्यूजिशियन ये खुद इतने अच्छे कंपोजर हैं और सिंगर हैं, और ये जब दूसरे किसी सिंगर कंपोजर को अप्रिशिएट करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अप्रिशिएट किया इंद्राणी को, अप्रिशिएट किया तो ये इनकी मानता है, बहुत अच्छी बात है, और हम साथ में काम कर रहे हैं। ये संतोष भाई की देखो फलदार वृक्ष ना हमेशा झुकता है तो संतोष भाई इंडस्ट्री के हमारे नगीने इंद्राणी, मैं क्या कहूँ इंद्राणी के, तो वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इंडस्ट्री नाउ डेज, तो ये लोग मेरे साथ मतलब काम करके हम लोग मस्ती में काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको जो सबसे बड़ी खास बात बताऊँ, इस फिल्म में जितनी भी जो हमारे क्रू है या हमारी जो यूनिट है किसी के प्रोफेशनल ताल्लुकात नहीं तो ये मेरे ख्याल से ऐसी बॉन्डिंग इंडस्ट्री में कभी कभी होती, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पूरी यूनिट का कोई प्रोफेशनल ताल्लुकात नहीं है, हमारे मेरी किसी से कोई बात ही नहीं हुई कभी भी पैसे को लेके, उसको लेके कभी भी, नथिंग एल्स, तो मुझे लगता है कि ऐसी बॉन्डिंग वाली भी शायद हमारी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फिल्म बनी है, तो ये भी हमारी पहली फिल्म होगी एक तरह से। इवन मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर भी हैं राजीव, या मेरी पूरी यूनिट भी है, हम कभी कोई बात नहीं करते, मैं दिन में आ जाओ आए शूट कर रहे हैं हम लोग, नोबडी आस्क के क्या कैसे कर रहे हैं, तो ये इस ये भी एक हमारी फिल्म की खास बात है। मैं अभी श्रीलंका गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात, हमारा वहाँ अवार्ड फंक्शन है 21 जुलाई को, तो वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हिज एक्सलेंसी महिंदा राजपक्षे जी, उनसे मुलाकात हुई, तो फिर उनके घर पे गए हम लोग, तो वहाँ घर पे मेरी हर एक्सलेंसी जो वाइफ है उनकी श्रीरंजा राजपक्षा, उनसे बात हुई, तो बातों मुझे पता लगा कि वो गरीब बच्चों की शिक्षा में, गरीब लोगों के इलाज में, और साथ में फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि हर एक्सलेंसी वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, तो शी सेड व्हाई डोंट यू डू प्रीमियर, योर प्रीमियर हियर इन श्रीलंका, तो अब उनके सामने मैं क्या बोलूँगा, आई सेड ओके फाइन। अब वो डेट ऐसी थी कि उसी, तो शी सेड कि 22 जुलाई इज़ ओके आई कैन कम, सो आई सेड ओके, तो वो तो एक जो तीर निकला कमान से कभी वापस आता नहीं है, तो मेरे लिए भी चैलेंज है कि आज हम बात 22 जुलाई को इस फिल्म का प्रीमियर वहाँ करना, बट इट इज़ डिसाइडेड, तो 22 जुलाई को हम इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर कोलंबो में करेंगे, और खास बात यह है कि क्योंकि वहाँ अवार्ड फंक्शन भी हैं तो वहाँ करीब 28-30 देशों के लोग इकट्ठा होंगे, तो मुझे एक इतना बड़ा एक्सपोजर वहाँ मिल रहा है कि वहाँ पे इतने सारे लोग हमारी फिल्म देखेंगे, उनके थ्रू स्प्रेड होगी हमारी फिल्म, और साथ में वहाँ जो जैसे यहाँ PVR और बाकी हैं ऐसे वहाँ स्कूप सिनेमा है, तो स्कूप वालों के साथ जब मैंने मीटिंग की तो मैं तो ये सोच के जाता है जैसे यहाँ कॉरपोरेट मीटिंग करते हैं कि हाँ बताइए क्या, तो वो इतने खुश हुए, दे सेड कि हम लोग तो चाहते हैं कि लोग आए श्रीलंका अपनी फिल्में यहाँ पे रिलीज़ करें जिससे कि यहाँ एक माहौल बने। श्रीलंका में कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, वहाँ 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या है, तो उतना जितना पैसा लगता है उतना निकलता नहीं है, तो प्रोडक्शन हाउस नहीं है, तो दे वॉन्ट कि वहाँ कुछ हो, तो स्कूप वालों ने दे इमीजिएटली ब्लॉक माई डेट,
तो आज की तारीख में हमारी फिल्म में भी बहुत काम बाकी है, लेकिन हमारी फिल्म का जो इंटरनेशनल प्रीमियर है वो फिक्स है, 22 जुलाई को हम लोग श्रीलंका में स्कूप में इसका प्रीमियर करते हैं। म्यूजिक के बारे में मुझे जितना याद है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि फिल्म शुरू होने से बहुत टाइम पहले से हम लोगों ने म्यूजिक पे काम शुरू कर दिया था, बट इन्होंने एक बात कहा कुछ टाइम पहले कि पैसे की बात, तो सबको पता है कि आज के इंडस्ट्री में पेमेंट मिलना मतलब सालों साल निकल जाता है। इनकी खास बात यह है ये पूछते नहीं है, काम होने से पहले अकाउंट में आ जाता है, मैसेज आता है कि हाँ ऐसा मतलब ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। तो मेरे 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 छोटे मतलब इंद्राणी तो मेरी छोटी सिस्टर की तरह से हैं, लेकिन मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इस फिल्म से जितने भी चाहे वो टेक्निकल लोग जुड़े हों चाहे आर्टिस्ट जुड़े हों, जो वो डिजर्व करते हैं, हालांकि आर्टिस्ट की कोई प्राइस तो होती नहीं है, आर्ट की क्या प्राइस लगाओगे आप, लेकिन मैं सच्ची बोलता हूँ आपको कि नो बडी आस्किंग मी, मुझसे किसी ने नहीं बोला, संतोष भाई ने बोला, कविता ने नहीं बोला, इंद्राणी ने बोला, दिनेश भैया ने नहीं बोला, या और भी जो लोग हैं, मुझसे किसी ने नहीं बोला कि कितने पैसे दे रहे हो क्या दे रहे हो, और जो वो एक्सचेंज हम लोगों का वो नहीं है, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं समझता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए तो मैं स्पेशली मैं क्या कहूँ, मैं दिल से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.